अस्सलाम वालेकुम संगियो, पटवारी बैठक टीवी पर तुसाना खातरदार मलिक अब्दुल सबूर एक नई वीडियो नाल हाजरे खिदमत है। संगियो आज नी वीडियो असा इस्लामाबाद जी हाँ दारुल खिलाफा पाकिस्तान ना इस सब पर असा बनाई है कि इस्लामाबाद दुनिया ना दूसरा कैपिटल सिटी खूबसूरत तरीन, जी हाँ इस्लामाबाद दुनिया ना दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल शहर है। तो असानी खुशकिस्मती है कि असा उस पाकिस्तान ने उस मुल्क ने वासी हाँ कि जिसना दारुल खिलाफा इतना खूबसूरत है कि दुनिया च उसना दूसरा नंबर है। तो इस पर असा अपने पटवारी संगियां की भ्रां की अज दसना चाहे कि इस्लामाबाद क्या है। जी हाँ इसलिए इस्लामाबाद ने खूबसूरत नज़ारे तुसा की दसने पे हैं। इस्लामाबाद ने मेन शाहरा जी अस उस पर इस नज़ारे दसने पे हैं। तो अच्छो तुसा की दसिया पे इस्लामाबाद है क्या। दुनिया इस्लामाबाद की खूबसूरती है पर हैरान तो परेशान। इस्लामाबाद दुनिया ना दूसरा खूबसूरत शहर है, दुनिया ना असीन पार्क है इस्लामाबाद। पाकिस्तान ना दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जिसना शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया ने खूबसूरत तरीन शहर चुना। एक वैबसाइट ने मुताबिक लंदन दुनिया ना खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, उस तो बाद इस्लामाबाद ना नंबर रसना। आलमी तहकीक ने मुताबिक खूबसूरती बड़ा मुकाम रखने वाले 10 ममालिक ने दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है वह दुए नंबर पर है। तकरीबन 2 मिलियन की आबादी तो हूँ नवी मरदमशुमारी ने मुताबिक उसकी आबादी इस तो ज़्यादा भी होवे। ये पाकिस्तान एक तीसरा बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा नस्ल जड़ियाँ इस शहर आबाद हैं, यानी कि पाकिस्तान बाहर जो लोग जड़े इतने आबाद हैं। इस्लामाबाद की वजह जी शोहरत है वह सर सबज शादाब दरख्त हैं, आसमान नाल गल्लां करने पहाड़ हैं, अबशारन सवान मौजे मारना दरिया है। तो शाह फैसल मस्जिद एक शाहकार, वाकई जी शाह फैसल मस्जिद दुनिया ना वो शाहकार है जिहड़ा पाकिस्तान में मौजूद है। इस्लामाबाद शहर 1964 पाकिस्तान ना दारुल हुकूमत बनया। इस तो पहले कराची की दर्जा हासिल सी। इस्लामाबाद ने जिहड़ा शरा खवानगी वाला शहर है, इस्लामाबाद पढ़िया लिखा लोगों ना शहर है, इसी पाकिस्तान ना सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर भी आखने। शहर इकतदार इस्लामाबाद शक्करपड़िया मोनोमेंट जासमीन गार्डन एफ 9 पार्क रावल पार्क चिड़ियाघर प्ले लैंड लोक विरसा तो इलावा दामने को पीर सवावा सेंटोरस शॉपिंग मॉल तो ये जी काफ़ी सारिया ऐसा चीज़ा जो बड़िया शोहरत रखनिया। लेकिन सब सू प्यारी गल इसने असीन नज़ारे हैं। इस्लामाबाद ने बारे तुर्की ने साबिक सदर अब्दुल्ला को ले कह चुके हैं कि दुनिया ने मुख्तलिफ उदार हुकूमतों ने दौरा किया लेकिन इस्लामाबाद जैसा सब्ज शादाब शहर उन्होंने नहीं तकिया। जी बिल्कुल, ये संगियो ये गल्लां सियां जड़ियां के मुख्तलिफ लोगों लिखियां और मुख्तलिफ जगह तो असा लोगों ने जड़े कमेंट्स हैं वो तके। लेकिन इसलिए जड़ी खूबसूरती तुसा इस्लामाबाद नहीं तकने पे हो, एक कोरोना ने दौरान जिसलै पूरा शहर एक सकूतनी पोजिशन सी, सारिया चीज़ा एक किस्म रुकी गई सियां, ट्रैफिक ना बहाओ ना होने ने बराबर सी, संतां बंद सियां, फैक्ट्रियां बंद सियां, तो सारे लोग सुकून से। तो अल्लाह ताला बारिश भी रजी रजी के बसाई, तो जल्द बारिशा भी हुई सारी गंदगी आलूदगी जड़ी है धोती ताती गई है, तो फिर ये नज़ारे असा कि इस्लामाबाद तू तकने तू लभे। और इन्ह नज़ार की तमन्ना बड़े अरसे तू असा की सी कि असा ये नज़ारे तकी है। तो अज तुसा की जो नज़ारे असा पे तकने पाँ, ये बर्फ पोश पहाड़िया तुसा की भी दिसनियां, बादल पे दिसने, गर्जनी चमकनी बिजली भी दिसनी है, तो बिजली भी दिसनी पी है, बारिश भी दिसनी पी, बदल भी दिसने पे, तो सरसों शादाब पहाड़िया भी दिसनिया पियां। ये सारिया चीज़ा ये कोई फिल्मी गल्ला नहीं हैं, बल्कि ना ही किसी आर्टिस्ट ने अपनी तखलीक की है, ये उस आर्टिस्ट की तखलीक है जिसकी असा रब कादर करीम आखने हैं। जी रब कादर करीम ना ये शाहकार इस्लामाबाद असा ने मुल्क पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, तो असा नी खुशकिस्मती के खेत पोठोहार मौजूद है। तो इसनी खूबसूरती ना ये आलम है कि इसनी शाम होवे, इसनी सुबह होवे, इसनी दिहाड़ होवे, इसनी बारिश होवे, इसनी गर्मी होवे, इसनी सर्दी होवे, हर मौसम हर नज़ारा उसनी एक अपनी गल है। असा तुसा कि अज जड़े मनाजर पे दसने हैं ये अज तो चंद दिन पहले ने, जिसलै असा इस मई ने मौसम आने 65 साल की तारीख तो बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो इस बार ये रानगी की गल नहीं कि मई ने
इस मौके पर यानी कि हूँ अद्धा पोची गया कि मई गुजरी गया तो असा लोग पखे भी कोना पे लाने तो इतने गर्मी भी बहुत सारी पैनी लेकिन इसी सर्दी भी बहुत पैनी। ये जो नज़ारे तुसा पे तकने हो ये असा ने कुछ संगी ने तस्वीर छिकी जदों बारिश पड़ी और बिजली कड़की और बिजली इ जी कड़की कि उसने जितने भी है सन मोशन वो सारे कैमरे की अख च रिकॉर्ड करी कि अज तुसाने सामने असा पेश पे करने हैं। ये नज़ारे जो तुम तकने पे तको अल्लाह पाक निशान कि किस तरह खूबसूरत बादल जड़े इतने टुरने पे ये कोई स्विट्जरलैंड नहीं है ये माड़ा पाकिस्तान है तो माड़ा पाकिस्तान तो माड़ा इस्लामाबाद असा दुनिया के सामने दसना चाहते हैं कि वाकई इस्लामाबाद बहुत सोहना है पाकिस्तान बहुत सोहना है। ये जो नज़ारे तुम तकने पे हो ये अल्लाह ताला असा ने इस मुल्क की अता किए असा दुनिया की दसना चाहते हैं कि असा ने शहर वाकई खूबसूरत है जरा जिसलै आखने कि दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है तो बिल्कुल सच आखने ये नज़ारे जिस तकने पे हो ये वाकई मैं समझना कि यह जरा नज़ारा है शाकार नज़ारा है इसलिए तकी है तो दुनिया का कोई भी बंदा उसकी तलब उसी कि मैं गच्छा तो मैं इस्लामाबाद तक आ असा तुसा कि नज़ारे दसने पे तुसा अपनी कमेंट राय जरूर दिया है कि तुसा कि नज़ारे की है जी लगे तुसा कि असा ये वीडियो की है जी लगी तुसा असा चैनल भी सब्सक्राइब कर सो ते इंशाल्लाह लाइक भी कर सो। ये हूँ असाने एक बंद दोस्त उन्हें मोबाइल तो भी वीडियो बनाई तको किस तरह कितनी तेजी नाल बदल अपनी जगह पर बदलने तो कितना ही खूबसूरत नज़ारा पे इतना दिसना असा तुसा कि इतने सारे नज़ारे पे दसने उत माड़ी अपनी सन कि मैं समझना कि इस्लामाबाद पूरे न पूरा बहुत सोहना है इसने हर जगह असं पिंडी इस नाल मलिका शहर रहने पिंडी भी इतनी खूबसूरती भी अपनी जगह बहुत शानदार है लेकिन इस्लामाबाद नहीं क्या बात है तो उसनी सबसे प्यारी गल जी है इस्लामाबाद दामने कोत है जो पैदल सफर है ट्रेल 5 जी माड़ी पसंदीदा जगह तुसा कि उसने नज़ारे भी हूँ तुसा कि मैं दसना पे कि ट्रेल 5 उपर अगर जिंदगी तुसें कदम मौका मिले तो जरूर अच्छा है जी जड़े संगी तो कसते रहने उन्होंने तो पता है लेकिन जिन्हें संघियों की नहीं पता उन्हें की दसने भाई ये पैदल रहा जरा अपर दामने को तो पीस वावा तक कसना तो शुरू होना मरकाला रोड F6 तो रैच झरने भी दिसने रैच पानिया ने नज़ारे तुसा तकने हो रैच अबशारा बैनिया भी तुसा तकने हो और खसूसन जोड़ा मौसम है हूँ मई तो जून इस बहुत प्यारा मंजर होना और इतना सुकून होना कि इतने तुसा चले गचो तो फिर तुसा समझो कि हाँ वाकई इसनी खूबसूरती ने क्या बात है तो नाल फिर ये भी आखसो फाबिया या ला रबे को मा तू कसीबान ए रब तेरी केड़ी केड़ी नहमत ना असा चुटला सा तेरे शुक्र अदा करने हो अपने रब ना ते रब ना शुक्र अदा करने हो सुकून भी हासिल होना ते इंतहाई इतमान बख्श और मेरी ते ये बिल्कुल रिकमेंडेशन उसी कि तुसा जरूर अच्छो लेकिन उस चंद शर्तं भी हैं कि इस सफर पर असने मारे एक तो तुसा को GPS जरूर होना चाहिए जाई जाई बोर्ड तो लगे लेकिन फिर भी अक्सर तुसा सुनने हो कि कुछ नौजवान गेंद भुली गए उसकी वजह यह भी होनी है कि वो ट्रैक तो अलग हो फिर टुरी पैने लेकिन फिर भी GPS तुसा को मौजूद होना चाहिए इंटरनेट ना तगड़ा कनैक्शन होना चाहिए वैसे तो सारिया कंपनियां ने कनैक्शन चलने लेकिन तुसा तकी किनो जो कनैक्शन उत्थे सही बेहतर चले वो तुसा को होना चाहिए तो लोई लोई गुछो तो लोई लोई मुड़ो बेहतरीन टाइम इतने गसने न कि सवेरा सवेरा तुसा गुछो तो इस टाइम नाल वापसी तुसा नहीं होवे कि तुसा नमाशा लै वापस अपने जितों सफ़र शुरू किया उत्थे तुस पहुँची गुछो उस तो अलावा आरामदेह बूट बड़े जरूरी हैं वह लाजमी खड़ो तो अल्लाह करे तुसा कुरे अच्छो तो तुसा सफ़र बखैरियत गुजरे इस नाल हुण इजाजत किन सा बहुत बहुत शुक्रिया।